हेलो व्यूअर्स, मैं शेफ शगुफ्ता। वेलकम टू माय चैनल मशहूर टॉय एंड फैमिली रिव्यू। व्यूअर्स, आज मैं जो आपको डिश बनाना सिखाऊंगी उसका नाम है झटपट वेज पकौड़ेज। तो वेजिटेबल वाले जल्दी जल्दी आप जो पकौड़े बना सकें वो है, जो तरकीब मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आधे घंटे में झटपट पकौड़े बनेंगे और बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। मैंने ये प्याज ले लिया है, इस तरह देखिए, चाहे तो आप इस चिप्स की शक्ल में इस तरह काट लीजिए, बारीक बारीक मगर काटना है, जो जल्दी आप फ्राई करें तो गल जाए। और इस तरह प्याज छोटे छोटे, या चाहे तो ऑमलेट के लिए जो चॉप करते हैं हम लोग प्याज वगैरह वो कर लें, आप इसमें हरी मिर्च डाल लें। मैंने तकरीबन 2 आलू लिए हैं, इस तरह काट लिया है, और 2 प्याज लेके इस तरह काट लिए हैं, और इसमें हरी मिर्च डालूंगी मैं। मुझे हरी मिर्च बच्चे जो है मेरे लाइक नहीं करते, मैंने नहीं डाली है। आप चाहें तो 2 हरी मिर्च डाल लें, और 1 चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर, और 1 चम्मच इसमें सॉल्ट, और 1 चम्मच इसमें ज़ीरा, और आधा चम्मच अजवाइन भी डाल लें। और बेसन मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कटोरी लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ले के मैंने इसमें इस तरह, ये देखिए, आलू प्याज वगैरह सब ऐड कर लिया है, नमक मिर्च मसाला सब जो है मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इस तरह करके हम इसको पानी डाल डाल के इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हाथ से कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। मैं इसमें सोडा वगैरह, बेकिंग पाउडर कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। आप चाहें तो तकरीबन आधा चम्मच जो है, आधा चम्मच से भी, बल्कि मैं तकरीबन 2 या 3 या 4 पिंच तक आप इसमें सोडा डाल सकते हैं। चाहें तो 2 पिंच डाल लें, वरना मैं तो बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ, और आप चाहें तो ना ऐड करें, मगर इसमें ज़रा ज़ोर लगा के अच्छी तरह से आप इसको मैश करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह क्रिस्पी और बहुत टेस्टी पकौड़े बनेंगे। करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये इस तरह का हो जाएगा। और इसमें आप चाहें तो पालक डाल लें, हरा पुदीना डाल लें, हरा धनिया डाल लें, वो सब ऐड करके आप चाहें तो वेज ला सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आलू और प्याज डाला है। उससे देखिएगा, मैं आपको बनाने के बाद भी दिखाऊंगी कि कितना प्यारा लुक आता है। आप इसको बनाने के बाद इस तरह इसको फ्राई करेंगे, मैंने ऑयल गर्म कर लिया, उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह चाहें तो आप स्पून से लेकर डाल लीजिए, चाहें तो आप हाथ के साथ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इसको डालिए, और बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, इस तरह आप इसको डाल के फ्राई कर लीजिए। ये फ्राई हो जाए तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, पकोड़े बनके तैयार है। ये देखिए, इसमें मैंने चाट का मसाला छिड़क दिया है, ये बनके तैयार है। क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी पकोड़े हैं, बहुत टेस्टी हैं, खाइए। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और खाइए, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।